बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल मैकेनिकल इंजीनियर अहमद। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ मच पावर कंज्यूम आवर होम अप्लायंसेस। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो डिवाइसेस है, उनका कितना पावर है, हर एक का कितना पावर होता है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज मैंने इनको डिवाइड किया है सबको, नेम ऑफ अप्लायंस और उसका पावर वाट में। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरे पास है एसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग के घर में 1 टन ऑफ एसी है, तो नॉर्मली 1 टन एसी 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 टन है तो वो बराबर होगा 1500 वाट के। ठीक है, और अगर वो 2 टन एसी है, इन्वर्टर एसी है, तो वो बराबर होता है 2000 वाट के। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरे नंबर पे है आयरन। हर घर में तकरीबन आयरन होती है, तो आयरन नॉर्मली होती है ये 1000 वाट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग के घर में कोई गीज़र है, तो वाटर हीटिंग हीटर या गीज़र जो होता है वो नॉर्मली होता है 1500 वाट का। ठीक है, आप लोग के घर में कोई फ़ैन है, तो फ़ैन नॉर्मली जो सीलिंग फ़ैन हमारे पास होते हैं वो 80 या 120 वाट के होते हैं, और इस तरह जो स्टैंड फ़ैन होते हैं वो भी इस तरह 120 वाट के होते हैं। आप लोग के घर में जो फ्रिज होता है, तो फ्रिज नॉर्मली होता है उसका टोटल पावर 170 to 200 वाट। ठीक है, उसका पावरफुल इतना होता है, मतलब उसको इतनी पावर रिक्वायर होती है उसको चलाने के लिए। ठीक है, इस तरह ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के नॉर्मली ट्यूबलाइट के 40 और 50 वाट होते हैं, और एलईडी के जो बल्ब है उनके भी तकरीबन 10 तक वाट होते हैं। आप लोग के घर में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माइक्रोवेव ऑन है, तो ये वो तकरीबन 1500 वाट का होता है, और आप लोग के घर में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉशिंग मशीन है तो वो 500 वाट का, वाटर मोटर है वो भी 500 वाट का होता है। तो अगर हम इन सब को टोटल कर लें तो ये हो गया 6340, मतलब 6340 वाट। तो अगर एक घर में फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी सारी चीज़ें हैं, और वो ये जानना चाहे कि मेरे घर का टोटल लोड कितना है, तो इन सब को ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सारे अप्लायंसेज किसी घर में मौजूद है, तो इसी घर का टोटल लोड जो है वो 6340 वाट है। तो इसी के लिए ये घर का जो ओनर है ये डिज़ाइनिंग कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने कोई सोलर प्लांट इसके लिए इंस्टॉल करना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और जो है कमीशनिंग कर रहा है ये, तो इसी लोड के बेस के ऊपर ये अपने घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल करेगा, वाटर से बिजली लेगा, मतलब मेरे घर का टोटल लोड इतना है, और इसके मुताबिक वो उसका फिर बिल भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने हर एक चीज़ को इतने घंटे के लिए चलाना है, तो उसका टोटल पर यूनिट कंजम्पशन कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोसीजर के थ्रू से आप लोग अपना घर का जो है अपना लोड जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और हर एक अप्लायंस के ऊपर वो एक बैनर होता है, बैनर के ऊपर, चिप के ऊपर वो लिखा भी होता है कि ये 1 टन एसी है, इसका पावर इतना है, आयरन है इसका पावर इतना है, ग्रीज़र है इसका पावर इतना है, फ़ैन है इसका पावर इतना है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी इनको जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है 1% भी हेल्पफुल हो, तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर अहमद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं, और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप लोग जो है चैनल के साथ रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे आप लोग इजाज़त दे दें। अस्सलामुअलैकुम।